स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तू रोकने की कोशिश तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि तूफान क्या होता है। तू तोड़ने की कोशिश तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि चट्टान क्या होती है। तू बहा ले जाने की कोशिश करना मुझे, मैं बताऊंगा कि किनारा क्या होता है। जब तू मुझे तोड़ तोड़ कर थक जाएगा, तब भी तू मेरी तलहटी में उगे किसी पेड़ के नीचे ही आराम करेगा। मेरे होने से दुनिया है, दुनिया के होने से मैं नहीं। जब तू मुझे बहा बहा कर थक जाएगा, तब भी तू मेरे बीच में ही रहेगा, क्योंकि तू भले ही समंदर है, लेकिन मैं भी किनारा हूँ, और तुझे हमेशा किनारे के दायरे में ही रहना है। तू करना चाहे बदनाम तो करना मुझे, मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या होती है। तू सवाल करना मेरे चरित्र पे, मैं बताऊंगा कि विश्वास क्या होता है। कोई नहीं है मेरे साथ आज, अकेला चल रहा हूँ सुनसान सफर में। जो स्वार्थ के लिए जुड़े थे, वो कब के पीछे छूट गए। तू मुझे अकेला छोड़ने की कोशिश तो करना, मैं बताऊंगा कि अकेले से काफिला कैसे बनाया जाता है। तू अंधेरे में छोड़ देना मुझे, मैं बताऊंगा कि अनजान जुगनुओं को कैसे दोस्त बनाते हैं। अकेला हूँ कमजोर नहीं, अकेला हूँ भटका नहीं, अकेला हूँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, अकेला हूँ पर मंजिल के रास्ते पर हूँ, अकेला हूँ पर हिम्मत बहुत है, अकेला हूँ पर इरादे नेक है, अकेला हूँ पर खुद के निर्णय पर गर्व है, अकेला हूँ पर चल रहा हूँ। और कोई परीक्षा है तो वो भी लेकर देखना, जवाब दूंगा हर इम्तिहान का, तू सुनते सुनते थक जाएगा। मेरे रास्ते पर पहाड़ खड़े करने वालों, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि सितारों तक चढ़ने की हिम्मत रखने वाले किसी पहाड़ से नहीं रुकते। और उंगली उठानी है तो उठा के देखना, किसी दिन मेरी सच्चाई के सामने तू खुद झुक जाएगा। बस थोड़ी देर ही तो लगेगी, बस मुझे अपनी नींदें ही तो कुर्बान करनी है, बस मुझे थोड़ा पसीने में ही तो नहाना है। अगर मैं गिर भी गया चलते चलते, तो लोग मुझे कायर नहीं कुर्बान कहेंगे, मेरी भावनाओं को डर नहीं जुनून कहेंगे। मैं भले ही काला हूँ, पर अब मुझ पे कोई और रंग नहीं चढ़ेगा। तुमने मुझ पर बहुत सवाल किए, अब मैं उनके जवाब दूंगा। किसी का सच्चा साथ पाने की उम्मीद कब की छोड़ दी है मैंने, किसी से वफा की उम्मीद को कब से छोड़ दी है मैंने। दुनिया से हटकर मैंने जिंदगी जिद के रास्ते पर मोड़ दी है, और आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं सच्चा था, मेरे इरादे नेक थे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी से बेवफाई नहीं की। पर तेरी आदत गंदी है, तू अब भी नहीं समझेगा। तो अब सिर्फ काम करूंगा, अकेला लड़ूंगा, अकेला हारूंगा, लेकिन एक दिन मेरी जीत होना फिक्स है। देश में मेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ पर मेरा घर था वहीं बारिश की, लेकिन अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। दोस्तों, जो लोग जिंदगी में छोटी सोच रखते हैं, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ये लोग न तो खुद कुछ बड़ा करेंगे, न तुम्हें कभी कुछ बड़ा करने देंगे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से और ऐसे लोगों की बातों को अपने दिमाग से जितनी जल्दी निकाल दोगे, तुम्हारी जिंदगी की आधी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये वादा करो खुद से कि जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। दोस्तों, डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, हिम्मत करके आगे बढ़ोगे तो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। बस ये बात याद रखना कि किस्मत की तस्वीर बना सकते हो तुम, दिल में सोया हुआ शेर भी जगा सकते हो तुम। कायर है वो जो तकदीर पे रोते रहते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। बस दिल में जोश के साथ एक शुरुआत तो करो, क्योंकि जब उत्साह के साथ कोई कदम बढ़ाया जाता है, तो अपने आप एक शानदार जीत का आरंभ होता है। मंजिल पे जिन्हें जाना है, वो तूफानों से डरा नहीं करते, और जो तूफानों से डरते हैं, वो कभी मंजिल को पाया नहीं करते। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक होगा कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जिंदगी के हर कठिन प्रश्न का देर से ही सही
सही लेकिन हल जरूर मिलता है। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि 16 से 25 की उम्र में आप अपना भविष्य बना भी सकते हो और अपना जीवन बर्बाद भी कर सकते हो। अब सब कुछ केवल आप पर निर्भर करता है, फैसला आपके हाथ में है। टाइम वेस्ट करते रहिए या टाइम का अपने मकसद को पूरा करने में सही जगह इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी समस्या जिसका सामना सभी लोगों को करना पड़ता है वो ये है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहले तो बहुत जोश रहता है, जब भी हम कोई प्लानिंग बनाते हैं तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या थी, हम कितने ज्यादा मोटिवेटेड थे, हमको आज दिन भर में क्या क्या काम करने थे। ऐसा ही कुछ अगर आपके साथ होता है, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद आपका जोश खत्म हो जाता है, फोकस हट जाता है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने के लिए मैंने एक स्पेशल ऑडियो बनाया है। 2 मिनट का ये छोटा सा ऑडियो अगर आप एक बार सुनेंगे तो यकीनन आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। एक बार इसको जरूर सुनिएगा और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत होंगे और जो ऑडियो आप सुनने वाले हैं उसमें कही गई